तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टेयरकेस के बारे में सब कुछ कि स्टेयरकेस हमेशा हम पढ़ते हैं टेक्निकली लेकिन उसको भूल जाते हैं, ट्रेड क्या होता है, राइजर क्या होता है, उसमें गोइंग क्या है, राइज क्या है, सारी चीज़ें भूल जाते हैं, बैलूस्टर क्या होता है, नॉइज़ क्या होता है। आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकली एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से और पास से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि इस जगह पर जो सीढ़ी है इसमें जो पार्ट हमें ऊपर चढ़ाने में मदद कर रहा है इसे हम लोग राइजर कहते हैं, और जो पार्ट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है जिसके ऊपर हम लोग अपना पैर रखते हैं इसे हम लोग कहते हैं ट्रेड। अब यहाँ पर जो दो राइजर हैं आपके, एक ये राइजर हो गया और एक ये वाला राइजर हो गया, इन दोनों राइजर के बीच की जो हॉरिजॉन्टल ये वाली डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे गोइंग। ये जो डिस्टेंस हुई इसको हम लोग गोइंग कहेंगे, और वहीं पर ये एक ट्रेड हुआ और ये दूसरा ट्रेड हुआ, इन दोनों ट्रेड के बीच में ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल हाइट है, इसे हम लोग कहेंगे राइज। तो ये आपका ट्रेड हो गया, ये आपका राइजर हो गया, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसे हम लोग गोइंग कहेंगे, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसे हम लोग कहेंगे यहाँ पे राइज। ओके, ये समझ में आ गया। अभी हम लोग देखते हैं अपने पास में यहाँ पर एक पार्ट है, ये स्टेयरकेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसमें हम लोग चलने में, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, चलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। इस पार्ट के काफ़ी सारे रोल हैं, पर्टिकुलरली अगर मैं इसकी हाइट के बारे में बात करता हूँ तो ये स्टेयरकेस से लगभग 75 से 80 सेंटीमीटर पर इसको लगाया गया है। यहीं पर ये बीच में जो आपके इंटरमीडिएट जो वर्टिकल मेंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं कम डाया के, इनको हम लोग कहते हैं बैलूस्टर, और जिस पार्ट के ऊपर मैंने अभी अपना हाथ रखा हुआ है इसे हम लोग कहते हैं हैंडरेल। अच्छा, ये जो पार्ट है आपका, ये किसी भी मटेरियल का, किसी भी मटेरियल लाइक ये आपका लकड़ी का बना हुआ हो सकता है, ये आप लोगों का स्टील का बना हुआ हो सकता है, और कई जगह पर आप लोगों ने देखा होगा इसको पत्थर से भी बनाया जाता है। तो ये वाला अरेंजमेंट भी आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया। अभी हम लोग यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब मैं इस एक स्टेयर केस में नीचे से और ऊपर तक जब मैं चढ़ूंगा लास्ट तक, तो उसको हम लोग इसकी एक सिंगल फ्लाइट या वन फ्लाइट इसको हम लोग बोलेंगे, ये इसकी वन फ्लाइट हो जाएगी, एक फ्लाइट। अब जहाँ पर भी हम लोग, जिस जगह पर भी हम लोग एक फ्लाइट को देख रहे होंगे, तो एक सिंगल फ्लाइट में मिनिमम नंबर ऑफ द स्टेप जो हो सकती हैं वो 3 हो सकती हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टेप जो है वो आपके पास 12 हो सकती हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कम्बाइनली, जो मैंने आपको बताया कि एक आपके पास में ट्रेड होगा और एक आपके पास में राइजर होगा, तो ट्रेड और राइजर इन दोनों को मिलाकर के कम्बाइनली हम लोग एक स्टेप, एक सीढ़ी कहते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। जैसा कि अभी जिस सीढ़ी के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ, इस सीढ़ी में आप लोगों को अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो ये जो सीढ़ी है, ये अलग अलग टाइप की सीढ़ी आपने देखी होंगी, अगर आपकी फ़्लाइट यहाँ से लेके डायरेक्टली रन कर रही है, एक फ्लाइट एकदम सीधी चल रही है, उसे हम लोग स्ट्रेट स्टेयरकेस कहेंगे। वहीं पर अगर जैसा मैं जिस सीढ़ी में खड़ा हूँ, ये आपके पास एक ओपन वेल स्टेयरकेस है, ओपन वेल स्टेयरकेस वो स्टेयरकेस होती है जिस स्टेयरकेस में 180 डिग्री पर टर्न होता है, यानी कि एक फ्लाइट इस तरीके से रन कर रही है और दूसरी फ्लाइट साइमल्टेनियसली पैरेलली आप देखेंगे यहाँ पर 180 टर्न लेकर के चल रही है, तो इसे हम लोग कहते हैं ओपन वेल स्टेयरकेस। लेकिन एक और स्टेयरकेस आपने सुनी है, डॉग लेग स्टेयरकेस, तो जो डॉग लेग स्टेयरकेस होती है उसके अंदर वेंटिलेशन नहीं होता, लेकिन ओपन वेल स्टेयरकेस के अंदर वेंटिलेशन होता है। अब ये बातें जो मैंने आपको समझाई हैं, अब इस सीढ़ी में जहाँ पर हम लोग टर्न करेंगे उस टर्न वाले पॉइंट को, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना भी चाहता हूँ इस चीज़ को, कि अभी जिस टर्न को, जैसे मैंने इस जगह पर यहाँ से राइट टर्न लिया तो आपने देखा एकदम 180 डिग्री पर मुझे टर्न लेना होगा, और जब 180 डिग्री पर मैं टर्न लूँगा तो ये जो पार्ट है जो हमें टर्न लेने में हेल्प कर रहा है इसे हम लोग कहते हैं लोडिंग। क्या कहेंगे इसको? हम लोग कहेंगे लोडिंग। ध्यान रखिएगा, जब भी कभी हम लोग देखते हैं अपनी स्टेयरकेस के अंदर, तो स्टेयरकेस में जो नंबर ऑफ राइजर होते हैं वो हमेशा नंबर ऑफ ट्रेड से एक ज़्यादा होगा, और यदि आप लोगों के पास में आप सीढ़ी में टर्न कर रहे हो तो उस सीढ़ी में आप लोग लोडिंग को कभी भी, लोडिंग को आप कभी भी ट्रेड के अंडर काउंट नहीं करोगे। जिस फ्लोर से आपने चढ़ना शुरू किया उसको आप ट्रेड के अंदर काउंट नहीं करोगे, और जब आप सीढ़ी में चढ़ के फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या जिस भी फ्लोर पर आपको जाना है वहाँ पहुँच गए उसको भी आप ट्रेड के अंदर काउंट नहीं करोगे। इस वजह से आपके पास हमेशा नंबर ऑफ ट्रेड की जो काउंटिंग होगी वो हमेशा राइजर के जो काउंटिंग है उससे हमेशा ही कम मिलेगी। अब ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं कि यहाँ पर जो सीढ़ी यहाँ पर दिखाई गई है आप लोगों को, इस सीढ़ी की जो चौड़ाई है वो किस तरीके से वैरी करती है।
इस सीढ़ी में अगर आप लोग रेजिडेंशियल जो सीढ़ी है अगर उसकी बात करते हैं तो रेजिडेंशियल जो होता है उसमें हमेशा कई सारे लोग, जैसे अगर मैं बात करूँ रेजिडेंशियल के अंदर 10 से 12 लोग अगर मान ली घर के अंदर है मैक्सिमम भी, तब भी सभी लोग एक साथ ऊपर जाने का एक साथ नीचे आने की ऐसी सिचुएशन बहुत ही कम बनती है। तो रेजिडेंशियल है अपना हमारे घरों के अंदर उस सीढ़ी की जो चौड़ाई है उसको कम रखा जाता है। लेकिन मैं अभी एक कॉमर्शियल बिल्डिंग के अंदर खड़ा हूँ और इस कॉमर्शियल बिल्डिंग के अंदर जो चौड़ाई होगी वो ज़्यादा रखी जाएगी, क्योंकि सभी का जो ऑफिस टाइम होगा वो ऑफिस टाइम हमेशा सेम ही रहेगा, तो सभी लोग सेम टाइम पर ऊपर जा सकते हैं, ज़्यादा संख्या में लोग और ज़्यादा संख्या में नीचे आएंगे। तो जैसा मैं आपको दिखाना भी चाहूँ कि सीढ़ी की जो चौड़ाई है ये काफ़ी ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो कितनी हो सकती है, रेजिडेंशियल जो स्टेयरकेस होती है उसमें मिनिमम 80 सेंटीमीटर हो सकती है मिनिमम, इससे ज़्यादा कितनी भी रख सकते हो आपने कंफर्टेबिलिटी, स्पेस कितना अवेलेबल है उसके अनुसार। और दूसरी चीज़ अगर आप लोग देखते हो एक कॉमर्शियल बिल्डिंग में तो मिनिमम 1 मीटर इसकी चौड़ाई होनी चाहिए, उसके बाद इससे ज़्यादा आप अपनी स्पेस अवेलेबल कितना है उसके अनुसार इसको बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपको स्टेयरकेस में कई बार देखने को मिलती हैं। अगर आपका RCC का स्टेयरकेस है, RCC का पूरा स्ट्रक्चर है, तो इस स्टेयरकेस के नीचे वाला जो पार्ट है जिसके जिस बीम के ऊपर जिस स्लैब के ऊपर ये पूरी तरीके से रेस्ट कर रहा है ये स्टेयरकेस, उसे हम लोग स्ट्रिंजर कहते हैं या एक बीम कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पार्ट को, जिस पार्ट के ऊपर पूरा स्टेयरकेस रेस्ट कर रहा है, इस स्टेयरकेस जिसके ऊपर रेस्ट करेगा उसे हम लोग कहेंगे स्ट्रिंजर। क्या कहेंगे? स्ट्रिंजर। और ये RCC का बना हुआ होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत बढ़िया तरीके से। एक और इंपॉर्टेंट बात के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा मैं अभी यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक फ्लोर और दूसरा जो दो फ्लोर जो हैं, अगर मैं देखता हूँ ये जो आपको एक ऊपर एक यहाँ पे आपको सिल दिखाई दे रहा होगा, या फिर कहूँगा इस जो आपके पास स्लैब है इसका जो टॉप लेयर है ये, और जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ, अगर इन दोनों के बीच की जो हाइट को अगर मैं देखूँगा तो इस हाइट को हम लोग बोलते हैं हेडरूम। क्या बोलते हैं? हेडरूम, यानी कि जो आपके पास लैंडिंग है, लैंडिंग के लोअर सरफेस और जहाँ से आपने चढ़ना शुरू किया उन दोनों के बीच की जो वर्टिकल हाइट होती है उसे हम लोग कहते हैं हेडरूम। और इस हेडरूम की हाइट कभी भी 2.1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकती है। तो ये सारी बातें आप लोगों को स्टेयरकेस में समझ में आई होंगी। मुझे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इस तरीके की और अगर अच्छी नॉलेज चाहते हैं, अगर कोई भी एक साइट पर जितनी भी चीज़ें लगी होती हैं उनके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी नॉलेज चाहिए इन द सिविल इंजीनियरिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा उसके बारे में प्रैक्टिकली आपको समझाने की, ताकि आप एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। और जब भी कभी आपके घर में कंस्ट्रक्शन होगा, आप अपना घर बनवाएंगे, तो वहाँ पर ये गलतियाँ नहीं करेंगे जो गलतियाँ आम कंस्ट्रक्शन लाइफ में की जाती हैं। उम्मीद कर रहा हूँ मिलते रहेंगे हम लोग आगे की अलग अलग वीडियोज़ के अंदर। तब तक लिए थैंक यू सो मच एंड